तो आज हम विक्टोरिया मेमोरियल की बात करेंगे जो कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल शहर के प्रमुख स्थलों में से एक है। महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्हीं की याद में बनी यह खूबसूरत संरचना और पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र है। दोस्तों, अगर आप विक्टोरिया मेमोरियल आने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको इस महल की सारी जानकारी दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इस जगह के बारे में कई रोचक तथ्य हैं जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं, तो फिर देर किस बात की, आइए एक नज़र डालते हैं कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के कुछ रोचक तथ्यों पर। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल की कई मायनों में ताजमहल से मिलता जुलता है? दरअसल ताजमहल की तरह ही विक्टोरिया मेमोरियल भी राजस्थान के मकराना मार्बल से बनाया गया है। गुंबद और इसकी अन्य आर्किटेक्चरल डिजाइन्स ताज के डिजाइन से मिलती जुलती है। इसकी निर्माण में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए थे। और हाँ दोस्तों, इसकी सबसे रोचक तथ्य के बारे में जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि आज जहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है, वहाँ पर यह स्मारक बनने से पहले प्रेसिडेंट जेल थी, जिसमें ब्रिटिश राज के राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। प्रेसिडेंसी जेल में बंद कुछ सबसे प्रसिद्ध कैदियों में से श्री अरविंदो एक दार्शनिक और सुभाष चंद्र बोस जी थे। उनके नाम पर कोलकाता एयरपोर्ट का नाम रखा गया था। बाद में निर्माण के लिए योजनाएं बनने के बाद जेल को अलीपुर में शिफ्ट कर दिया गया। अब आप लोग इच्छुक होंगे कि इस महल को कब बनाया गया, तो चलिए बिना देर किए हुए बताते हैं। 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया। ब्रिटिश राज के समय में कोलकाता भारत की राजधानी थी और महारानी विक्टोरिया वह महारानी थी जिन्होंने उप भारतीय महाद्वीप पर शासन करने वाले ब्रिटिश क्राउन को पहना था। 1901 में जब उनकी मृत्यु हुई, तब लॉर्ड जॉर्ज कर्जन द्वारा कोलकाता में एक आपात बैठक आयोजित की गई। उस समय वह भारत के वायसराय थे। उन्होंने यह सुझाव दिया कि उनकी स्मृति में विशाल गार्डन के साथ एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए। वह चाहते थे कि इतना भव्य हो कि आने वाले वर्षों में कोलकाता आने वाले सभी पर्यटक अपनी आंखों के सामने अतीत को पुनर्जीवित होते हुए देखें और उसे याद करें। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया। इसकी पहली आधारशिला किंग जॉर्ज ने 1906 में रखी थी, लेकिन मेमोरियल का आधिकारिक तौर पर 1921 में उनकी मृत्यु के 20 साल बाद जनता के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया। इसके बनने में 11 साल लगे और इसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के अध्यक्ष सर विलियम इमर्सन ने डिजाइन किया था। ये है विक्टोरिया मेमोरियल की कहानी। अगर आपको मेरे दिए हुए जानकारी से खुश हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको इसी तरह के नए नए वीडियो अपडेट करता रहूं। धन्यवाद।